हे व्हाट्सएप गाइस, दिस इज कौशिक हियर एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रेडमी नोट 5 प्रो बहुत ही अच्छा एक फोन है बजट कैटेगरी के प्राइस में। स्पेसिफिकेशन वाइज ऑलमोस्ट सारे की सारी चीज ही बहुत ही अच्छा मिलता है। बट दोस्तों, रेडमी नोट 5 प्रो में Xiaomi ऑफिशियली क्विक चार्ज के बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है और बॉक्स में भी हमें कोई फास्ट चार्जर या तो क्विक चार्जर नहीं मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्टैंडर्ड 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रेडमी नोट 5 प्रो में क्वालकॉम क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है, यानी आप रेडमी नोट 5 प्रो को फास्ट चार्ज या तो क्विक चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल है, रेडमी नोट 5 प्रो में क्वालकॉम का कौन सा क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है, कौन सा चार्जर से आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं, या तो कौन सा फास्ट चार्जर बेस्ट रहेगा, एंड दोस्तों कितना टाइम लगता है फास्ट चार्ज होने में, और कुछ कॉमन मिस्टेक जैसे कि फास्ट चार्जर से चार्ज करने के बाद भी फास्ट चार्ज क्यों नहीं होता है। तो आपका ये सारे के सारे सवाल का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और आपका सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कौशिक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोगों ने ये बोला है जो कि Redmi Note 5 Pro में Qualcomm क्विक चार्ज 2.0 सपोर्ट करता है, और कुछ लोगों ने ये बोला है Qualcomm क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली आप Redmi Note 5 Pro को Qualcomm क्विक चार्ज 3.0 सर्टिफाइड चार्जर से तो आप चार्ज कर सकते हैं, पर दोस्तों वो एज ए 2.0 टेक्नोलॉजी के जैसा बिहेव करेगा, यानी Redmi Note 5 Pro एक्चुअली Qualcomm क्विक चार्ज 2.0 टेक्नोलॉजी को ही सपोर्ट करता है। ओके, आप चाहे तो क्विक चार्ज 3.0 सर्टिफाइड चार्जर को यूज कर सकते हैं, बट वो ओनली 2.0 टेक्नोलॉजी का ऐसा ही करंट पुल करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल है कौन सा फास्ट चार्जर बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करता हूँ Xiaomi का जो ऑफिशियल फास्ट चार्जर है 9 वोल्ट 2 एम्पीयर वाला, वही सबसे बेटर होगा, क्योंकि वो ऑफिशियल कंपनी का चार्जर है, थर्ड पार्टी वेंडर नहीं है, और ये चार्जर का प्राइस है 449 रुपीज। आई नो इट्स एक्सपेंसिव, बट इट्स ए प्लस पॉइंट ऑल्सो। हालांकि दोस्तों, अगर आपके पास पहले से कोई दूसरा फास्ट चार्जर है तो उससे भी आप Redmi Note 5 Pro को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। बट दोस्तों, अगर आप कोई फास्ट चार्जर खरीदने के लिए सोच रहा है तो Xiaomi का जो ऑफिशियल फास्ट चार्जर है जो कि 9 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर है, तो वो आप ले सकते हैं। आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो उसके लिए भी मैं कुछ रिकमेंडेड फास्ट चार्जर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, एंड इवन दोस्तों, अगर आपके पास Xiaomi का न्यू पावर बैंक यानी मी पावर बैंक 2i है तो उससे भी आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि मी पावर बैंक 2i भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब दोस्तों, जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, परफेक्ट फास्ट चार्जर यूज करने के बाद भी कुछ लोगों ने फास्ट चार्जिंग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि फास्ट चार्जिंग के लिए सिर्फ फास्ट चार्जर को सपोर्ट करने वाला फ़ोन और फास्ट चार्जर ही नहीं, उसके साथ साथ आपको जो USB केबल को यूज़ करना है वो भी फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड होना चाहिए। Xiaomi का जो ऑफिशियल 9 वोल्ट 2 एम्पीयर का फास्ट चार्जर है, उसके साथ आपको कोई भी USB केबल नहीं मिलेगा, आपको अलग से सेपरेटली एक फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड वाला USB केबल को भी परचेस करना है, या तो आप Redmi Note 5 Pro का बॉक्स के साथ जो चार्जर का USB केबल मिलता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, तभी आप फास्ट चार्जिंग कर पाएंगे। अगर आप Xiaomi का ऑफिशियल 9 वोल्ट 2 एम्पीयर का फास्ट चार्जर के साथ एक नॉर्मल USB केबल यानी नॉन सपोर्टेड फास्ट चार्जिंग USB केबल को यूज़ करेंगे तो उससे आप फास्ट चार्जिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब मैं Xiaomi का ऑफिशियल फास्ट चार्जर के साथ एक नॉर्मल USB केबल को यूज़ करता हूँ तो तब मेरा फ़ोन में नॉर्मल चार्जिंग का आइकन आता है, फास्ट चार्जिंग का आइकन नहीं है। पर दोस्तों, जब मैं फास्ट चार्जर के साथ एक फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड वाला USB केबल को यूज़ करता हूँ तो तब देखिए यहाँ पे Redmi Note 5 Pro में क्विक चार्ज का आइकन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये बात को भी आपको जरूर ध्यान में रखना है, जो कि एक फास्ट चार्जर के साथ साथ एक फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड USB केबल को भी आप यूज़ करें। ओके, Redmi Note 5 Pro के साथ आउट ऑफ द बॉक्स जो केबल मिलता है वो भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, Xiaomi का फास्ट चार्जिंग USB केबल भी सेपरेटली मिलता है, जो कि 2-in-1 USB केबल है, उसका प्राइस है 249 रुपीस, उसको आप अलग से परचेस कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, ऑल्सो गाइज, जो सेकेंड कॉमन मिस्टेक है, आप ये भी ध्यान में रखें, आपको फास्ट चार्जर में USB केबल को चार्जर के अंदर प्रॉपरली पूरा के पूरा इंसर्ट करना है। USB केबल को आधा इंसर्ट करने से चार्ज तो होने लगेगा, बट वो नॉर्मल चार्जिंग होगा। क्विक चार्ज के लिए आपको USB केबल को प्रॉपरली चार्जर के अंदर इंसर्ट करना है। अब दोस्तों, चार्जिंग टाइम। तो दोस्तों, जब मैं Redmi Note 5 Pro को Xiaomi का ऑफिशियल 9 वोल्ट 2 एम्पीयर का फास्ट चार्जर से चार्ज किया था तो 10% to 50% चार्ज कंप्लीट होने में टाइम लगा था 45 मिनट्स। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, 1:22 में चार्ज था 10% एंड 50% चार्ज कंप्लीटेड हुआ है 2:07 में। सो 45 मिनट्स टाइम लगा है 50% चार्ज होने में। नाउ जब उसके बाद 80% चार्ज रीच हुआ तब टाइम था 2:41, यानी ऑलरेडी टोटल 10% to 80% चार्ज होने में टाइम लगा है 1:21। अब दोस्तों, 100% चार्ज कंप्लीट हुआ है 3:24 में, यानी 1:22 में चार्ज स्टार्ट किया था और 100% कंप्लीटेड हुआ है 3:24 में।
सो फाइनली फास्ट चार्जर में 10% टू 100% चार्ज होने में टाइम लगा है 2 घंटा 1 मिनट एंड फोन का टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस, सो इट्स जस्ट ए नॉर्मल टेम्परेचर। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ जो कि लास्ट 10% यानी 90% टू 100% चार्ज होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है, यानी नॉर्मल चार्जर के जैसे ही टाइम लगा है लास्ट 10% के लिए। नाउ दोस्तों, जब मैं नॉर्मल 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का स्टैंडर्ड चार्जर यानी बॉक्स का चार्जर से चार्ज करता हूँ, देन इन माई केस आई एम जस्ट शॉकिंग। जब 10% चार्ज था तब टाइम था 4:01, उसके बाद जब 90% रीच हुआ तब टाइम था 5:46 एंड 100% चार्ज कंप्लीट हुआ है 6:11 में, यानी 10% टू 100% चार्ज कंप्लीट होने में टाइम लगा है 2 घंटा 10 मिनट। यानी दोस्तों, फास्ट चार्जर एंड नॉर्मल चार्जर दोनों का ही रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, जस्ट नॉर्मल चार्जर में 9 मिनट का ही ज़्यादा टाइम लगा है। सो गाइस, द रिजल्ट इज रियली शॉकिंग एंड आई थिंक आपको अलग से कोई फास्ट चार्जर का जरूरत नहीं है। अगर फास्ट चार्जर से थोड़ा जल्दी भी चार्ज हो जाएगा तो भी जस्ट मैक्स टू मैक्स 10 मिनट ही टाइम आपका सेव होगा, एंड ऑल्सो ये भी लास्ट 5 मिनट का चार्ज में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए। एंड आप दोस्तों, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है जो कि Xiaomi ने क्यों फास्ट चार्जिंग के बारे में कोई भी हाइलाइट्स नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली फास्ट चार्जिंग तो फोन का एक मेन USP होता है। और अभी आप खुद डिसाइड कीजिए आपको फास्ट चार्जर लेना है या नहीं। और दोस्तों, मैं आपको और एक बात मेंशन करना चाहूँगा जो कि इस वीडियो में मेरा सबसे बड़ा हार्डवर्क था, 2 बार 100% चार्ज से 10% में ड्राई करना। यस, मैं बहुत ही परेशान हो गया था बैटरी को ड्राई करने में। यू कैन बिलीव, इवन अननेसेसरी यूज़ करके भी बहुत ही मुश्किल से बैटरी को ड्राई किया था मैंने। सो यू कैन अंडरस्टैंड बैटरी बैकअप कैसा है Redmi Note 5 Pro में। इट्स जस्ट ऑसम, अमेजिंग एंड ऑब्वियसली 10 out of 10 फ्रॉम माई साइड। एनीवेज, मे बी आपको फास्ट चार्जिंग के बारे में सारे के सारे कन्फ्यूजन का सवाल आपको मिल चुका है। आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक के साथ साथ और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी सही जानकारी पहुँच जाए। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।